Film Studios. You are watching 11 AM Milton. फैज़गंज ए खानोट वेझो खौफनाक हादसा, नींगरी समेत टे जणा फौत, 36 जख्मी। कौमी शाहराह ते ठुलखां कराची वेंदड़ जंजन जी बस कलटी, नींगरी फौत, घोट समेत 35 जणा जख्मी। 10 जख्मी की हालत गणती जोगी। गंबट अस्पताल मुंतकिल। नींगरी सायरा मौके ते ही दम दिनों। जख्मी में घोट गुलाम यासीन, मोहम्मद खान, हमीदा, सकीना, अब्दुल कयूम ए बिया शामिल। खानोट वेझो इंडर साहिब ते वीगो कोच के ओवरटेक कंदे ट्रक से टकराई जी वही, बजना अजल जो शिकार, एक जख्मी। हादसे में आफ्ताब अनवर थड़े ते दम दिनों। नौजवान खुरम जख्मन की सट नसंदे अस्पताल में फौत थी वयो। पुलिस मूजिब सेवन का कराची वेंदड़ वीगो कोच के ओवरटेक कंदे ट्रक से टकराई जी वही। मुल्क में गुजरल 24 कलाकों दौरान आलमी वबा कोरोना वायरस में मुब्तला 7 मरीज अजल जो शिकार। कोरोना के फौतन जो मजमूई तादाद 3,326 थी वो। NCOC मूजिब गुजरल 24 कलाकों में वायरस जहा 183 नवा केसिस रिपोर्ट थे। वायरस के हाकारी केसिस की शरह 0.64 सैकड़ों रही। वबा के 525 मरीजन की हालत गणती जोगी। मैंने आज इमरान खान से ये कहा है कि सिंध ने जो खरीदो फरोख्त की है, हमें सिंध में गवर्नर राज नाफत कर देना चाहिए। ये जमहूरियत के खिलाफ साजिश है। जो अपने जमीर से वोट देने आना चाहता है वो बेशक देने आए। सिंध में कोई सिंध हाउस में पुलिस लॉन्च नहीं कर रहे, कोई नहीं भेज रहे, क्योंकि ये पैसों की लालच में गए हैं। ये जाने और इनके इलाके जाने और इनके लोग जाने। लेकिन आज मैं प्राइम मिनिस्टर को यह तजवीज देके घर जा रहा हूं कि सिंध में गवर्नर राज नाफज कर दिया। वजीर आजम के सिंध में गवर्नर राज लगाना पवो, इन सवाल हाने को बो हल ना है। घरू वजीर शेख रशीद वजीर आजम के सिंध में गवर्नर राज लगाने जो मशवरो दे छो। शेख रशीद सिंध हुकूमत हॉर्स ट्रेडिंग कर सरेआम आइन की भंजघड़ी कर रही है। हाँ ब्लैकमेलर्स वोट खपाइंदड़ तोड़े विकड़ींदड़ कें भी रियायत जहा हकदार ना। जरियन दावा कई है शेख रशीद सिंध में गवर्नर राज लगाने की तजवीज दिनी, तो वजीर आजम ठीक है। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये एक पागलपन होगा और इस वक्त कोई सबब तो नहीं है सिंध गवर्नर रूल लगाने का। अगर किसी हुकूमत की खराब कारकर्दगी की बुनियाद ही गवर्नर रूल लगाना चाहिए तो फिर मैं समझता हूँ कि पंजाब में लगाना चाहिए, KP में लगाना चाहिए और वफाकी हुकूमत को फारग करना चाहिए। सिंध हुकूमत इन तमाम हुकूमतों से ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रही है, बेहतर काम कर रही है, लेकिन अगर वो अपने खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उस पर परेशान होकर, घबरा कर, सरपटा कर, पागलपन में ये करना चाहते हैं तो इससे उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब जाहिर है उनकी अगर ख्वाहिश है तो लगा के देख लें, लेकिन हम उन्हें बता देंगे ये काम इतना आसान नहीं है। अब उनका चल चलाओ है, आखिरी हुकूमत है उनकी, चंद दिन रह गए हैं और अगर इस मौके पर ये करेंगे तो इसका मतलब ये है कि वो एक अपनी शिकस्त तस्लीम कर चुके हैं और ये जो बयान है, ये जो आवाज़ है, ये जो फरमाइश है, ये जो ख्वाहिश है, ये एक शिकस्त खुर्दा शख्स की हो सकती है। आए सिंध में गवर्नर राज लगाएं चरियाए पहुंदी। सूबाई वजीर सईद गनी चयो है तो खराब कारकर्दगी ते पंजाब ए खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाएं घुर्जे और वफाकी हुकूमत के फारिग करण घुर्जे। सिंध में गवर्नर राज लगाएं सोलो ना ही, अड़ो कदम खड़न हुकूमत तरफा शिकस्त तस्लीम करण बराबर हुंदो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टाइम न्यूज़ में अवां खे फनकार चाहूँ था। महताब अली नूर हेडलाइंस हमारे थियूं, बुलेटिन से गड हाजिर थियूं था। शॉर्ट ब्रेक खां